तो दोस्तों गुड इवनिंग आप सबको, मेरा नमस्ते प्रणाम। और दोस्तों आप लोगों से मैं बता दूँ, ये मेरी ब्लॉग जो मैं अभी आज आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये काफ़ी जब अगली बरसात हुई थी और ठंड जो बीत रही थी तब का है, तो काफ़ी ठंडा मौसम था। तो सासू माँ की डिमांड थी कि कुछ बनाया जाए अलग, तो मैं कही सासू माँ चलिए मैं जा रही हूँ। अब दोस्तों आप लोगों का दिखाने में जा रही हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, आप लोग देखिए। अभी इतना सारा आलू मैं छील के रख दी हूँ, उसके छिलके उतार के रख दी हूँ दोस्तों। और अच्छा, इतनी हरी हरी धनिया देख के मेरा मन बहुत ललचा रहा था कि कब उसको पीस करके बट्टे पे उसकी चटनी बना दूँ। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे आलू मैं धुल के उसको रख दी उबालने के लिए। और जो कि आप लोगों को मैं बता दूँ, शाम का समय था तो आलू उबालने के लिए रख दी। और इसके बाद मैं चल दी मंदिर में दीपक जलाने के लिए। और आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और घर में काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लाइट थी दोस्तों बट हर एक जगह नहीं लाइट है, इसलिए मेरा चेहरा अच्छे से नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को बाहर के व्यूज़ दिखाऊंगी। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। काफ़ी लोगों का कमेंट आता था कि दीदी आप कहाँ के रहने वाली हैं, आपका गाँव कहाँ पर है, तो मैं सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है का आप लोग पूरी मेरा ब्लॉग वीडियो देखिएगा। और दोस्तों देखिए, कुछ बाहरी ऐसा नज़ारा था उस दिन का, और जो कि आज मैं वीडियो यहाँ पे शूट करके डाल रही हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं मंदिर में दीपक जला चुकी हूँ। बजरंगबली हैं जो कि माँ पार्वती हैं, और भोलेनाथ जी का पूरी फैमिली है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, और खुद भोले बाबा हैं। और यहाँ पे देखिए, सानवी बिल्कुल बजरंगबली जैसा अपना रूप बना रही थी, जिस तरह से वो हैं आप लोग देखिए उसी तरह से बिल्कुल चेहरा कर रही थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नज़दीक से जूम कैमरे कर करके, देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा किस तरह से अपना चेहरा बनाई है मेरी क्यूटी बेबी। और आप लोग देखिए, और जब दीपक जलाने से मैं फ्री हो गई मंदिर से आने के बाद, इसके बाद चटनी और धनिया तैयार कर ली, कुछ धनिया को कट करके रखी थी और कुछ कुछ चटनी बना ली थी। और दोस्तों यहाँ पे आलू मैं इस तरह से मतलब उसका चोखा बनाती हूँ, और पचफोरन का दोस्तों मैं तड़का दी हूँ उस चोखे में, जो कि मैं टिकिया बनाने के लिए उसका मतलब बेसन तैयार कर रही थी। और अभी आप लोग देखिए, मेरा बेसन तैयार हो चुका है। अब मैं दोस्तों बेसन तैयार हो चुका है, अब मैं छानूंगी लपेट करके टिकिया। और दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं किस ब्लॉक से हूँ, मैं किस विलेज से हूँ आप लोगों से बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं बाकीपुर गांव से हूँ, और मेरा मार्केट है रानीसराय, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरा बेसन तैयार हो चुका है। अब मैं गर्मा गर्म टिकिया छानूंगी, जो कि आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। और टिकिया छानने के बाद दे जा रही हूँ सासू माँ को परेशने। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे होगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी।